एसिलेशन। कल हमने जो स्टडी करी थी मोशन में वो हमने वेलोसिटी तक करी थी, आज हम स्टडी कर रहे हैं मोशन में एसिलेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एसिलेशन? एसिलेशन इज अ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। विद टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो दैट इज अ एसिलेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसिलेशन, इसका फॉर्मूला मीन्स एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज अ वी, यानी फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो और एसिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो इट मींस इसका फॉर्मूला हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वी माइनस यू। और हमने ये वी माइनस यू हमने कहाँ पुट किया है? चेंज इन वेलोसिटी के प्लेस पर। तो हमारा एक फॉर्मूला एसिलेशन का ये आ जाता है। मे बी क्लियर हो गया होगा एसिलेशन क्या होता है। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्राफ। ये आपका ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी, दिस वन एसिलेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एसिलेशन पॉजिटिव, बट इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस द एसिलेशन इज नेगेटिव। इट मीन्स रिटार्डेशन कब होगा? तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज करेगी एसिलेशन को, यानी रिटार्डेशन ऑलवेज नेगेटिव साइन शो करता है या नेगेटिविटी शो करता है। तो रिटार्डेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इट मीन्स जो अभी हमने एसिलेशन पढ़ा था, एसिलेशन में हमने देखा था एसिलेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सेम रिटार्डेशन भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बट एसिलेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव शो करेगा। यानी अगर एसिलेशन ए की वैल्यू माइनस में आती है तो वो रिटार्डेशन है, अन्यथा वो रिटार्डेशन नहीं होगा। मे बी क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, दो हैं इसलिए आपने टू नीचे ले लिया है, एवरेज निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, दो ही वेलोसिटी होते हैं यहाँ पास इनिशियल और फाइनल, और हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यू प्लस वी अपॉन टू एक फॉर्मूला हो जाता है, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से, दिस इज अ एवरेज वेलोसिटी, मे बी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस होती हैं जिनमें जिन्हें हमें ड्राइव करना है, तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, एंड सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू हर यूनिफॉर्म एसिलेशन, यानी उसका यूनिफॉर्म एसिलेशन ए, एंड सो दैट आफ्टर टाइम टी, यानी टाइम टी एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी, फाइनल वेलोसिटी वी। अब हम इसे डेफिनेशंस ऑफ एसिलेशन के थ्रू लेंगे, यानी हमने पढ़ा था कि एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको पता है कि एसिलेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी भी आपको पता है क्या होती है v माइनस u अपॉन t, और एसिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, क्लियर। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, क्लियर। या अगर हम इस v को यहीं छोड़कर u को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, जो हमारी डेफिनेशन आएगी ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या v इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सेम है ए टी इज इक्वल टू माइनस यू है, हम इधर ले आए, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं माइनस यू है इधर ले आए तो प्लस यू हो जाएगा, और इसको अच्छा लगने के लिए एज अ ये क्लियर हो जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी क्या हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ए, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू, सेम थिंग जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू होती है, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, एसिलेशन ए होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें एवरेज वेलोसिटी लेकर चलते हैं तो ए वी आर ए जी ई एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स u प्लस v अपॉन टू एवरेज वेलोसिटी, सॉरी v
बी बार, यही था ना हमारा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। नेक्स्ट इसके बाद हम लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी आप यहां से उठा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी यानी u प्लस वी अपॉन टू, तो हम लिखेंगे u प्लस वी अपॉन टू मल्टीप्लाई टाइम, यही था ना हमारा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा u प्लस वी अपॉन टू है और मल्टीप्लाई टाइम है। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना। अब यहां से हम क्या लेंगे, यहां से हम लेंगे, यहां से हम उठाते हैं v की वैल्यू, हम यहां से उठा रहे हैं v की वैल्यू क्या है u प्लस ए टी, और इस v की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, यहां पर इस जगह पे, ओके। तो हम लिखेंगे u प्लस, और v की वैल्यू क्या है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। एक बार और समझ लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमने यहां से लिया u प्लस v अपॉन टू, हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है, तो हमने लिखा u प्लस v अपॉन टू मल्टीप्लाई टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, से t। अब यहां पर हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से हम v की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं हम इस जगह पर, इस स्थान पर, यानी u प्लस और v की वैल्यू हमारे पास है u प्लस at अपॉन टू मल्टीप्लाई t। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, u और u तो कितना हो गया 2u प्लस at अपॉन टू मल्टीप्लाई t। अब आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हमने स्पीड में, कल हमने जो स्पीड पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यानी ये जो वैल्यू हमारी चल रही है एस की है, तो यहाँ पर भी एस की वैल्यू होगी, क्लियर। तो टू यू प्लस ए टी अपॉन टू, अब इस टी का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टी का मल्टीप्लाई पहले 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 एस इज इक्वल टू, मैं इसे रफ कर देती हूँ यहां से, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, या मैं इसे ये भी कर सकते हैं हम कि हम इसे अलग अलग सेपरेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू 2 यू टी अपॉन 2 आपने ये करा होगा प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, मैं इसे सेपरेट कर, ये 2 है ना, इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, ये डिनोमिनेटर है जो इसका भी है और इसका भी है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। रीजन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां तो ये कैंसिल होगा नहीं क्योंकि हमें तो सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। अब आपका फॉर्मूला क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसको हाफ लिख सकते हैं ना अलग से, हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी होती है सेकेंड इक्वेशन। मे बी क्लियर होगा, ओके। अब है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में हम कहां से उठाएंगे, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, एस इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगेन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे. अब मेरे को t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, u को इस तरफ लेके आएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. और चूंकि t की वैल्यू निकालनी है तो a हम कहां चले ले जाएंगे, डिवाइड में, यानी v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t. मे बी क्लियर, ओके. इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन टू मान लेते हैं. क्लियर क्लियर, ओके. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ टी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में. एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू और टी की वैल्यू बस ये है, तो v माइनस यू अपॉन ए. यहां लिख सकते हैं आप वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन टू पुट इनटू इक्वेशन वन. ओके, s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, इसे बहुत अच्छे से समझो, हाफ a और t की वैल्यू फिर हम यहां से उठाएंगे, v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर इसलिए बिकॉज दिस इज स्क्वायर. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ, आगे बढ़े. अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे यहां पर, ओके. ब्रैकेट खोलिए, एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू, यू कितना हुआ, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस. अब देखिए यहां पर क्या है, हाफ, हाफ को एज इट इज हम यहां नीचे ला सकते हैं, टू ए, टू और ए है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यानी ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर, ओके. और अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे ऊपर, ऊपर खोलेंगे हम, वी माइनस यू स्क्वायर है तो वी माइनस यू का यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे. ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला. अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस टू uv. एक ही बात है, मैंने माइनस टू ए बी है बीच में लिया है, यहां माइनस टू यू वी लास्ट में लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने एट क्लास में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला. तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. आगे बढ़े, ओके. नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, यहां पर क्या है, एक ए है और ये ए स्क्वायर है, तो हम इस ए से इस एक ए को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू ए. यानी नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, यू वी माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर
प्लस u स्क्वायर माइनस 2 uv अपॉन 2a, क्लियर हो गया होगा, a कट गया है तो 2a बचा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एलशियम, एलशियम लेंगे, एलशियम लेना, देखिए 2a है और इधर a है, तो हम जिधर a तो हमारे दोनों में कॉमन है और चूंकि ये है 2 साथ में है तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा एलशियम के रूप में 2a, ओके। अब देखो a से a कैंसिल, बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए 2uv, क्लियर, माइनस फिर a से a कैंसिल, 2 तो हमारा बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे 2u स्क्वायर प्लस, क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, 2a है, ये 2a दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखिए s इज इक्वल टू 2uv और माइनस 2uv कैंसिल, माइनस 2u स्क्वायर में से प्लस u स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a, क्लियर। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, या इसको 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके, या v स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, u स्क्वायर उठा के लेके आएंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज ए थर्ड इक्वेशन। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी क्लियर हो गई होगी, v यहां पर फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एसेलेरेशन और s यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मीन्स हम यहाँ पर ग्राफ के थ्रू मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस मतलब ये जो इस है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा है टाइम। डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात कर चुके हैं। अगर मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ एसेलेरेशन कहलाता है ना, तो ये क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, दिस इज ए टाइम, दिस इज डिस्टेंस और वो एक कर्व लेता हुआ होगा इस तरह से, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ हमारा होता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ अब सेम एज इट इज, ये डिस्टेंस था, अब हम यहां पर ले लेंगे स्पीड। स्पीड स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ओके।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने अभी पहला पढ़ा था, अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में फर्स्ट जो हमारा है, व्हेन द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट इट मींस कि स्पीड और टाइम में जो हमारा ग्राफ बनता है उसमें स्पीड टाइम ग्राफ में जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टू द टाइम के। देखिए इस कांस्टेंट स्पीड चलती जा रही है एंड ए से बी तक जो स्पीड चलती जा रही है वो कांस्टेंट है और पैरेलल है टाइम के, क्लियर। यहां पर हम स्पीड को सी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी बी एज अ ओ ए के इक्वल है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्पीड हमारी ओ ए है और इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल अकॉर्डिंग टू टाइम है, क्योंकि इस जो हमारी कांस्टेंट स्पीड है वो टाइम के पैरेलल पर है, तो ये टाइम के पैरेलल स्ट्रेट वे में मोशन कर रही है, तो हमारा टाइम क्या है, ओ सी है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ओ ए अपॉन ओ सी, और इसे हम एल इंटू बी भी लिख सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट था हमारा व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, और अब सेकंड हम उठाते हैं कि व्हेन स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये फर्स्ट था हमारा व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, अब हम सेकंड उठाते हैं व्हेन स्पीड चेंज स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। ओके, यूनिफॉर्म रेट में अभी हमने पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म रेट के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी मूव करती है तो क्या करेगी, स्ट्रेट एक्सीलरेशन रहता है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहता है। ये हमारा क्या है, स्पीड है, और ये हमारा क्या है, टाइम। ये ओ है, इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओके, ये तो व्हेन स्पीड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, उसमें जो बॉडी मूव करती है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के थ्रू करती है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अपॉन टाइम। अब एक्सीलरेशन में जो आप चेंज इन स्पीड कर रहे हैं, चेंज जो स्पीड कर रहे हैं वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी पी क्यू, क्योंकि स्पीड का चेंज देखिए यहां से स्टार्ट होगी यहां तक आया, तो चेंज आपका क्या आया, पी क्यू, तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू, और टाइम क्या होगा आपका, ओ क्यू। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, यहां पर एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आपका क्या हुआ, देखिए ए आपका ए ये है, एक्सीलरेशन ये है आपका, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। इसकी भी नीड आपको ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा बी कंसंट्रेट, ओके। अब नेक्स्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ में शोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था कि जब डिक्रीजिंग होता है एक्सीलरेशन तो वो रिटार्डेशन होता है,
यानी ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, ओके। और रिटार्डेशन मान लीजिए ओ है और ये बी है, तो यहां से जो नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ वो आपका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ये आपका रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। Maybe clear? Retardation means क्या होता है? Distance traveled by a moving body in a given time can also be calculated from its speed time graph. यानी यहां पर हम क्या लेंगे, half area of rectangle, ठीक है। Area of rectangle में आपको भी पहले ग्राफ जो मैंने बताया था वो क्या था, ये था ना, इसमें आपने क्या लिया था, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या लेंगे आप, ओ क्यू पी आर, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, क्लियर। और इसमें आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ओ आर मल्टीप्लाई ओ क्यू, क्लियर। ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ था। इफ द तीसरी कंडीशन, वैसे तो दो कंडीशन है इसी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, हम तीसरी कंडीशन अगर लेते हैं तो क्या होगी हमारी तीसरी कंडीशन, When the initial speed at of the body in not zero, इसमें क्या होगा कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए उसने कहा बॉडी इन नॉट जीरो, तो यानी बॉडी यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कहां से स्टार्ट होगी, कुछ हिस्सा यहां से, ये कंडीशन होगी, क्लियर। हमारा ग्राफ ये होगा और ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारी क्या है, क्लियर। ओके, अब इसमें अब आप देखिए एज अ, अगर यहां से जीरो से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, स्पीड आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो यानी इस जगह से स्टार्ट है ओ और बी, बी से स्टार्ट है, यहां पर जो हमारा एरिया यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू पैरल साइड, sum of two parallel side multiply height
अपॉन टू। इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड आपकी क्या होगी, देखिए ये और ये दोनों आपके पैरेलल साइड हैं, यानी ओ बी सम है प्लस ए सी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट आपकी क्या है ओ ए, इसे मैं ओ ए ही लिख देती हूँ, अपॉन टू। क्लियर? ये आपका क्या है डिस्टेंस टेबल या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या डिस्टेंस टेबल का फॉर्मूला हमने लगाया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के थ्रू, क्लियर? इसे कहते हैं डिस्टेंस टेबल। ओके okay?